हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप सभी के लिए इडली डोसा चटनी स्पेशल लेके आए हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस चटनी बन के रेडी हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कितनी ही इसकी लुकिंग बढ़िया है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो चलिए बना स्टार्ट करते हैं। तो चटनी बनाने के लिए हम यहाँ 1 कप नारियल लिए हैं, जिसका छिलका निकाल लिए हैं और छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। और ये चना दाल है, जिसे भिंगा करके और पानी निकाल कर लिए हैं, 1 कप है। ये कुछ कड़ी पत्ता है और 5-6 लहसुन है और 2 मिर्च हैं। और ये 2 कप रोस्टेड बादाम है, 2 कप है। और ये 5-6 काजू है, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई ली है और ऑयल डाल दिए हैं, और ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम चना दाल डाल देते हैं और दाल को डालने के बाद इसे कुछ सेकंड के लिए भून लेना है, हल्का गोल्डन कलर आने तक इसे भूनिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी फ्री में। तो फ्रेंड्स, यहाँ दाल जो है हमारा रोस्ट हो चुकी है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे अब रोस्टेड बादाम, जो हमारा पहले से ही रोस्टेड है। अगर आपका कच्चा है तो आप थोड़ा देर के लिए इसमें रोस्ट और कर लीजिएगा। और इसमें हम लोग कुछ काजू ऐड करेंगे, जो हमने 4-5 काजू लिए थे, उसे भी कुछ सेकेंड्स के लिए भूनना है। और कड़ी पत्ता लेना है, कुछ सेकेंड्स के लिए रोस्ट कर लेना है। अब इसके बाद इसमें हम लोग लहसुन और जो 2 मिर्च है वो भी डाल दिए हैं, और इसे भी थोड़ा भून लीजिएगा। और ये जो कच्चा नारियल जो है, ये छिलका निकाल के लिए थे, 1 कटोरी जो हमारी है उसे भी डाल करके, और इसे 2 से 3 सेकेंड के लिए रोस्ट कीजिएगा। इसे ज़्यादा देर मत भूनिएगा। बस हमारा मिश्रण जो है रेडी हो चुकी है। तो इसे अब एक बर्तन में या बॉल में निकालिए और इसे ठंडा कर लीजिएगा। ये देखिए, हम निकाल लिए हैं। और इसे अब ठंडा होने के बाद देखिए, हमारा मिश्रण जो है ठंडा हो चुका है। तो अब इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं, पानी देके और ग्राइंड कर लीजिएगा। ये देखिए, पीस के रेडी हो चुकी है। और इसे हम 2 पार्ट में पीसे हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी था। तो अब इसमें हम लोग नमक ऐड कर देते हैं और इसे मिला देते हैं। और अब तड़के के लिए इसमें हम ऑयल ले लिए हैं, ऑयल हमारा हीट हो चुका है। इसमें हम राई डाल देते हैं, राई हल्का सा जैसे ही चटक जाएगी तो कड़ी पत्ता डाल देंगे, और इसमें अब तड़का लगा देंगे। ये देखिए, ये हमने एक छोटे से बॉल में निकाल लिए हैं। ये देखिए, हमारा चटनी बनके रेडी है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर से ज़रूर बना के ट्राई कीजिए।